हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में नींद के बारे में। 0 से लेकर 18 इयर्स तक के बच्चे के लिए नींद की रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोज के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, सबसे पहले तो बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में। तो जो बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं उनका मैक्सिमम समय सोने में ही गुजरता है। 24 घंटे में से करीब 16 से 17 घंटे की नींद बच्चा ले सकता है। उस समय बच्चों का रूटीन क्या होता है, बच्चा उठेगा, दूध पिएगा, सो जाएगा, फिर वो उठेगा, सुसु पॉटी करेगा, वापस से दूध पिएगा, सो जाएगा। तो यही बच्चे का रूटीन होता है जो कि करीब 2 से 3 हफ्ते तक रह सकता है। तो 1 महीने से छोटे जो बच्चे होते हैं वो करीब 16 से 17 घंटे की नींद लेते हैं, जो कि उनके लिए ज़रूरी भी होती है। बच्चों के ग्रोथ में, बच्चों के डेवलपमेंट में नींद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब बच्चे सोते हैं या फिर जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी रिस्टोर होती है। बात करते हैं 1 महीने से ऊपर के बच्चे के लिए। जब बच्चा 1 महीने से बड़ा हो जाएगा तो वो ज्यादा समय वो एक्टिव रहेगा और उनकी नींद थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो 15 से 16 घंटे की नींद ले सकता है, जिसमें से रात के समय करीब वो 10 घंटे के लिए सो सकता है और बाकी की जो 5-6 घंटे की नींद होगी वो दिन के समय वो 3 टुकड़ों में कवर करेगा, जैसे कि 3 बार वो नैप ले सकता है। फिर जब बच्चा 3 महीने से बड़ा हो जाएगा तो वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और 3 महीने से लेकर 9 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो करीब 14 से 15 घंटे की नींद लेते हैं, जिसमें से अगेन 9 से 10 घंटे के लिए वो रात में सोएंगे और बाकी की नींद वो दिन के समय 3 टुकड़ों में लेकर 3 बार नैप लेकर पूरी करेगा। और 9 महीने से लेकर 1 साल के जो बच्चे होते हैं वो करीब 13-14 घंटे की नींद लेते हैं, जिसमें से 9 से 10 घंटे की नींद बच्चा रात में लेगा और बाकी की नींद वो दिन के समय 2 बार नैप लेकर 2 टुकड़ों में लेकर पूरी करेगा। जब बच्चा 1.5 साल का हो जाएगा तो वो करीब 13 घंटे की नींद ले सकता है, जिसमें से 9-10 घंटे के लिए वो रात में सोएगा और बाकी की नींद वो दिन के समय 2 बार नैप लेकर के पूरी करेगा। फिर जब बच्चा 2 साल का हो जाएगा तो अगेन वो 13 घंटे के लिए टोटल सोएगा, जिसमें से 8-9 घंटे के लिए वो रात में सोएगा और दिन के समय करीब वो 1 बार नैप लेकर के बाकी की नींद उसकी पूरी करेगा। 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो करीब 12 घंटे की नींद लेता है, जिसमें से 10-11 घंटे के लिए बच्चा रात के समय सो जाएगा और 1-8 घंटे की नैप वो दोपहर के समय भी ले सकता है। फिर जब बच्चा 4 साल का हो जाएगा तो अगेन वो 13 घंटे की नींद ले सकता है। इस समय मोस्टली बच्चे दोपहर की नैप लेना छोड़ सकते हैं और रात के समय ही एक ही साथ बच्चा सो जाएगा। तो अगर आपका बच्चा रात के समय एक साथ में 12 घंटे के लिए सो रहा है तो जरूरी नहीं कि दोपहर में उसको सोना ही है। अगर रात के समय बच्चा एक साथ में इतना लंबा नहीं सो रहा है तो जरूर से अपने आप वो दोपहर में सो करके बाकी की नींद उसकी वो पूरी कर लेगा। फिर जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो वो करीब 11 घंटे के लिए सो सकता है। अगेन सेम, अगर बच्चा दोपहर में नहीं सोता तो रात को वो 1 बार में सोकर उसकी नींद पूरी कर लेगा। जब बच्चे 10 साल के हो जाएंगे तो 10 घंटे की नींद उनके लिए जरूरी होती है। जब बच्चे 14 साल के होंगे तो 9 घंटे की नींद उनके लिए रिक्वायर्ड है और जब बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो करीब 8 से 8.5 घंटे की नींद उनके लिए जरूरी होती है। सो बच्चों की ग्रोथ में, बच्चों की डेवलपमेंट में नींद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। आपके बच्चे की एज के हिसाब से वो जरूरी नींद लेता है या नहीं ये जरूर से नोटिस करें और आपके बच्चे की एज और वो कितने घंटे के लिए सोता है ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। बाय बाय।